स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोज पे। आई थिंक मीनाक जी में शायद आपने भी शेयर लिया रहेगा IPO में, और उसके बाद जो है आप इसमें अटके हुए हैं, मतलब शेयर बेच भी नहीं पा रहे और शेयर यहाँ पे खरीदने की भी सोच रहे हैं। मतलब आई थिंक मीनाक जी के शेयर में जो हुआ है, बोल सकते कि IPO आने के बाद स्टॉक ने गिरावट दिया। तो ऐसे आपको बहुत सारे कंपनीज देखने को मिला रहेगा जो IPO आने के बाद कुछ खास शेयर ने तेज़ी वगैरह नहीं दिखाया, पेटीएम, LIC, ये सब शेयर्स। तो अभी यहाँ पे IRM Energy को लेके हम लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे, टेक्निकल जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स अभी बोल सकते कि देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास शेयर है तो उसका जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आपके उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता रहे कि क्या चल रहा है शेयर में। रिक्वेस्ट करते दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। हम लोग ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो पे, ताकि पता चले आपका क्या नॉलेज है और दूसरा भी कोई कमेंट करेगा तो उसका भी नॉलेज शेयर होता है। तो चलिए शुरू करते स्टॉक की बात है दोस्तों। एक दिन में IRM Energy के शेयर में 0.7% का जो है तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही एक हफ्ते के अंदर 4.8% का इसने रिटर्न दिया, और एक महीने में 7.2% का जिसमें गिरावट बना है शेयर ने। और IRM Energy का जो हाई प्राइस है, जो कि 495 रुपीस का, या फिर उसको थोड़ा ऊपर जो इसने एक हाई प्राइस बनाया था, जो कि इसका बोल सकते कि एक तरीके से जो है जो उसका IPO आया था उसके बाद, तो उसके बाद कुछ खास स्टॉक में जो है तेज़ी नहीं बना, मतलब 490 के आसपास या फिर 95 के आसपास शेयर नहीं पहुंचा है जो IPO का प्राइस था। शेयर में गिरावट बना, स्टॉक फिर से तेज़ी जो है यहाँ पे तेज़ी बना रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो IRM Energy में जिसने भी शेयर ज़्यादा प्राइस में लिया है उसको बेचा है, शेयर में गिरावट बना और स्टॉक में फिर से अभी खरीदारी हो रहा है, तो शेयर थोड़ा यहाँ से तेज़ी बना सकता है। इसका जो अभी Q2 2024 का रिजल्ट आया था टोटल रेवेन्यू में, कंसोलिडेट हम लोग यहाँ पे जो है इसका IRM Energy का कंसोलिडेट जो है रिजल्ट देख रहे हैं, जहाँ पे 13% टोटल रेवेन्यू में गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 21.7% का गिरावट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते 46.1% के आसपास जंप हुआ था। दो ही दोस्तों जो इसका EBITDA है, EBITDA में 53.3% का जंप हुआ था देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट जो है 39.1% का हुआ था। अभी इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन समझते हैं। देखिए अभी यहाँ पे देख IRM Energy में अगर देखते हैं, मतलब जो इसका जो हाई प्राइस था 495 का, वो उसका IPO का जो एक प्राइस आया था तभी, उसके बाद स्टॉक में गिरावट बना। तो अभी एक दिन में IRM Energy के शेयर में जो गिरावट दिया, जो लो प्राइस बनाया है वो है 464.10 पैसे का, और जो हाई प्राइस बनाया है वो है 472.50 पैसे का। वही दोस्तों एक हफ्ते के अंदर जो इसने लो प्राइस बनाया है वो है 435.10 पैसे का, जो हाई प्राइस बनाया है 472.50 पैसे का, और एक महीने का जो लो प्राइस है 435.10 पैसे का, जो हाई प्राइस बनाया है 496 रुपीज़ का। तो अभी देखिए यहाँ पे मतलब इसका देखते हैं BSE और NSE मिला के क्या चल रहा है शेयर में। एक दिन का दोस्तों जो इसका BSE NSE का एवरेज है, BSE NSE का वो है 222.3 के का। डिलीवरी परसेंटेज 61% का हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम 135.6 के का है, बहुत ही ज़बरदस्त का डिलीवरी वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते का BSE NSE मिला के एवरेज 674.2 के का है, डिलीवरी परसेंटेज 56.6% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 155 के का है। तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और वही डिलीवरी वॉल्यूम जो है थोड़ा घटता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, माफ़ कीजिए शेयर होल्डिंग का नहीं, जो है यहाँ पे डिलीवरी देखते हैं शेयर का, मतलब क्या चल रहा है इस स्टॉक में IRM Energy में। अभी यहाँ पे देखिए इसका जो बोल सकते कि जो डिलीवरी परसेंटेज है या फिर जो डिलीवरी है, कंबाइंड डिलीवरी जो हुआ है 24 नवंबर 2023 को, वो आप देख सकते 135.59 करोड़ का जो है हुआ है। एंड वही दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज 61% का हुआ है, प्राइस चेंज 0.7% का हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इसका उसके पहले जो इसका कंबाइंड ट्रेडेड वॉल्यूम था वो था 295.80 का। एंड वही दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो बोल सकते कि जो कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 157.28 का, एंड डिलीवरी जो इसका परसेंटेज है 53.2% का है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस चेंज जो है शेयर में भी थोड़ा तेज़ी बनाया था,
और तभी जो लगभग 2.1% के आसपास जो इसमें शेयर में जो इसका प्राइस इसका चेंज देखने को मिला था, एंड जहाँ पे बोल सकते कि जो शेयर का प्राइस बढ़ा, डिलीवरी भी बढ़ा था शेयर का परसेंटेज। एंड वही इसके पहले आप देख सकते हैं जहाँ पे बोल सकते कि जो प्राइस चेंज है वो भी 4.4% के आसपास देखने को मिला है, जहाँ पे डिलीवरी जो है शेयर का परसेंटेज वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, शेयर के प्राइस में भी चेंज हुआ है। तो अभी यहाँ पे मतलब शेयर का प्राइस भी जो बढ़ा है, तो अभी यहाँ पे देखिए कुछ दिन से जो है आईआरएम एनर्जी के शेयर में एक गिरावट बनाया था ये शेयर, बोल सकते कि इसका जो डिलीवरी है परसेंटेज वो बढ़ता हुआ देखने को मिला था, बट शेयर के प्राइस में कुछ खास तेज़ी नहीं पड़ा, शेयर के प्राइस में गिरावट बनाया था। शेयर जैसे ही ये मार्केट में दोस्तों लिस्ट हुआ है, सबको लगा था कि आईआरएम एनर्जी जो है एक ज़बरदस्त तेज़ी बनाएगा। कंपनी जो है गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, इसका लगभग 3 या 4 स्टेट्स में जो है 4 स्टेट में बिजनेस है, तो अभी आईपीओ भी एक बहुत बड़ा लाया था। तो देखिए अभी जो ये इसको लेके हम लोगों ने डिटेल्स में वीडियो बनाया था, जहाँ पे इस कंपनी का आईआरएम एनर्जी का कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है, कुछ स्ट्रेंग्स भी हैं। रिस्क फैक्टर में देखेंगे तो ये कंपनी जो है आईआरएम एनर्जी, ये बोल सकते कि ये जो 3 स्टेट्स में फिलहाल अभी बिजनेस कर रहा है, 3 स्टेट से अच्छा खासा एक इसका बिजनेस आ रहा है, और तमिलनाडु में जो इसका बिजनेस अभी स्टेबल करने वाला है, जो आईपीओ से पैसा मिलेगा इसको, तो आगे चल के हो सकता है कि तमिलनाडु से भी इसको एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हो। तो अभी फिलहाल देखेंगे तो इसका जो नेचुरल गैस का बिजनेस है उसमें बहुत सारे रिस्क रहता है। अभी वही दोस्तों इसका स्ट्रेंथ देखेंगे तो कंपनी जो है ये 3 स्टेट में एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ से इसको बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आता है, और अभी तमिलनाडु में भी जो है इसका बिजनेस जैसे ही सेटअप हो जाएगा तो वहाँ से भी ये बोल सकते कि एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही शायद से काम करेगा और वहाँ से भी इसको अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है। तो अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करते, देखिए प्रोमोटर्स जो है आईआरएम एनर्जी का, प्रोमोटर्स के पास 50.07% का स्टेक है, एफआईएस के पास 1.27% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 4.81% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.97% का स्टेक है, पब्लिक के पास 36.89% का स्टेक है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब आईआरएम एनर्जी अभी जो यहाँ पे गिरावट बनाया था उसके बाद स्टॉक में तेजी बन रहा है, तो हो सकता है कि दोस्तों शेयर जो है मतलब अभी यहाँ पे फिर से एक बार बोल सकते कि बाइंग चल रहा है, फिर से जो है शेयर में अभी खरीदारी चल रहा है, तो वो आपको एक बार ध्यान देना है और इसमें एक टारगेट प्राइस छोटा सा रख के चलना है। अभी इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, हो सकता है कि उसमें आईआरएम एनर्जी एक ज़बरदस्त रिजल्ट पोस्ट करे, क्योंकि उसका जो अभी दूसरा स्टेज है वहाँ से भी बिजनेस उसका शुरू हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया दोस्तों आईआरएम एनर्जी का थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। आपको क्या लगता है आईआरएम एनर्जी को लेकर, इसको शेयर को लेकर आईआरएम एनर्जी का, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए।